नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान आप प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनौती देते हुए कहा कि वो गंगोत्री सीट से उपचुनाव लड़ें। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजय कोटियाल मुख्यमंत्री से मुकाबला करेंगे। वहीं आप पार्टी ने ये भी कहा कि ये उपचुनाव उत्तराखंड की राजनीति की तस्वीर बदल देगा। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जनता से एक स्थिर सरकार देने का वादा किया था और बदले में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले सवा चार साल में उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया, उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया। पहले एक जीरो वर्ग CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के रूप में जनता पर थोपे गए और उनके नकारेपन को छुपाने के लिए फिर एक जीरो विजन मुख्यमंत्री, विजन लेस मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को यहाँ पर लाया गया। अब उनके जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने का कार्यकाल है, समय है, वो गुजरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पशुपेश में है, कंफ्यूज है, अटकलें लगाई जा रही हैं अलग अलग कि मुख्यमंत्री भी चेंज हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। पुलिस लाइन रोशनाबाद में मासिक अपराध गोष्ठी और सम्मेलन का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने बताया कि DGP उत्तराखंड के आदेश अनुसार आज पुलिस लाइन रोशनाबाद में मासिक अपराध गोष्ठी और सम्मेलन में होने वाले अपराधों को लेकर चर्चा की गई, जिनमें लंबित पड़े मुकदमों की विवेचना, साइबर क्राइम, महिलाओं से जुड़े अपराध समेत 14 बिंदुओं पर क्राइम की समीक्षा की गई। आज हमारा मासिक अपराध गोष्ठी एवं सम्मेलन का किया गया है। इसमें जो है पहले हमने सम्मेलन किया है, सम्मेलन करने के बाद जो हमारा मासिक अपराध गोष्ठी हुई थी, इसमें जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो भी सुधरने के लिए सुझाव है उसको हमने चर्चा किया है। उसके बाद हमारा लंबित विवेचना, साइबर क्राइम और महिला संबंधित शिकायतें, महिला संबंधित अपराध हैं और पेंडिंग शिकायत प्रार्थना पत्र, इसी बारे में विस्तार रूप से चर्चा की और सभी थाने अध्यक्ष को जो है हमने एक आदेश भी दिया है कि जो भी इस टाइप का चीज़ें इसमें पूरी ध्यान से काम करके जल्दी से जल्दी निस्तारण करके लोगों को राहत देने का काम करेंगे। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के BJP प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर हुए हमले के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। इसी को लेकर पंतनगर BJP अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं और वाल्मीकि समाज के लोगों ने किसान नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन कर केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जाँच कराने और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कराने की मांग की है। मैं जो हमारे अमित भाई वाल्मीकि जी पे हमला हुआ है, मैं इसकी अपने समाज की ओर से घोर निंदा करता हूं और हमारा समाज एकजुट है। अगर हमें कहीं धरना प्रदर्शन और कहीं भी हमारे समाज की आवश्यकता पड़ी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारा समाज इस समय एकजुट है। देखिए, जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसमें खैर ये किसानों के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, किसान की आड़ में ये तमाम लोग हैं और सभी पूरा देश इस चीज़ को समझ रहा है कि ये गुंडागर्दी की जा रही है। इसमें कोई किसान नहीं है और किसान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, किसान के आड़ में यहाँ पर गुंडागर्दी और गुंडे असामाजिक तत्व और गुंडे तरीके के लोग जो हैं इस तरीके की बर्बरता से इस तरीके का हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, ये हिदायत देना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि अगर वाल्मीकि समाज पर अगर एक उंगली उठेगी तो बर्दाश्त वाल्मीकि समाज नहीं करेगा। आज पूरे देश प्रदेश का वाल्मीकि समाज एक है और इस तरीके की गुंडागर्दी को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में सैकड़ों लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 9 बजे अस्पताल के कर्मचारियों ने लोगों को यह कहकर वापस जाने के लिए कह दिया कि अस्पताल में वैक्सीन नहीं है, जिसके बाद गुस्से में आकर लोगों ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। क्या क्या हुआ सर? हम कल भी आए थे 9 बजे, तो इन्होंने कहा कल सुबह आना आप 6 बजे। हम 6 बजे से यहाँ आए, ना चाय पी और घर से आए और देखा तो हम 2-3 घंटे इंतज़ार किया सर, 9 बजे तक, 8 बजे, 8:30 बजे तक, और फिर बाद में बोल दिया कि वैक्सीन ख़त्म हो गई। सर हम परेशान हैं बहुत, क्या करें। जब पब्लिक एक भीड़ में होती है तो भीड़ का केवल एक ही एम होता है कि जो उनकी समस्या है उसको वो रखें, वो सामने वाले को सुन नहीं पाते ज़्यादा। आज भी यही व्यवस्था हुई। वैक्सीन जो होती है वो जब आती है तो उसका डिक्लेरेशन हो जाता है पहले, लेकिन संभवतः जो कोविशील्ड थी उस वैक्सीन नहीं आ पाई, क्योंकि नहीं आ पाई और लेट उसका समाचार मिला सुपरवाइज़र को, तो वो लेट समाचार ही उसने वहाँ पर दिया।
लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो मैसेज उनके उस पर फ़ोन पे आता है वो उस फ़ोन के मैसेज को पढ़ के आ जाते हैं। बाजपुर के बैरिया रोड स्थित ग्राम खमरिया में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की भी बात कही। बता दें, विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही विकास कार्यों में गति देखने को मिल रही है। यही वजह है कि लगातार नए कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम तेज हो चुका है। कई जगह सड़कें काफ़ी पहले जो बनी थी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और वैसे भी तराई में सीलन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उन सड़कों को कई जगह नवनिर्माण कराया गया है, कई जगह सुधारीकरण का कार्य हुआ है, तो उनका शिलान्यास लोकार्पण ये स्वाभाविक है। आज मुख्य कार्यक्रम हमारे कई जगह जल जीवन मिशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, उसके तहत करोड़ों करोड़ रुपए की योजना है कि हर घर नल पाइपलाइन बिछा के लोगों को शुद्ध पानी देने का सरकार ने निर्णय लिया है। उसी के तहत आज कई जगह हमने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है, ताकि लोगों को, गरीबों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। मैं लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऋषिकेश शहर के बीचों बीच हीरा लाल मार्ग पर कई दशक से बने कचरे के पहाड़ का अब निस्तारण होना शुरू हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले साल के अंदर कूड़े के पहाड़ शहरवासियों को नजर नहीं आएंगे। इसी के साथ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बदबू से भी निजात मिल जाएगी। बता दें कि नगर निगम की महापौर अनिता ममगाई ने कूड़ा निस्तारण योजना का शुभारम्भ विधिवत पूजा अर्चना के बाद मशीन का बटन दबाकर किया है। अलग अलग जगहों से मशीनें इसमें आई हैं, हाई टेक्नोलॉजी की ये मशीनें हैं। कुछ महाराष्ट्र से आई हैं, कुछ दिल्ली से आई हैं, कुछ अलग अलग जगहों से उन्होंने मशीनें यहाँ पे लगाए। हाई टेक्नोलॉजी की वो मशीनें हैं, बिल्कुल प्रदूषण रहित हैं, कई किसी भी तरह का उसमें प्रदूषण नहीं है। और काम में तेज़ी के लिए उनको कह गया है कि काम में तेज़ी इस प्रकार से आपने लानी कि सुबह 6 बजे से और रात की 11 बजे तक, क्योंकि बरसात का सीज़न भी आ गया, कूड़ा गिल्ला हो जाएगा, कूड़ा गिल्ला होगा तो वो मशीन पर चल नहीं पाएगा। तो जितने उनको फुर्सत मिलता है, जितना समय मिलता है, वो तेज़ी का लाएँ काम में। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे बरसात में हमारा 15-20 दिन एक महीने काम प्रभावित भी रहेगा। रुद्रप्रयाग मुख्यालय के पास केदारनाथ हाईवे पर एक स्कूटी सवार दुर्घटनाग्रस्त होकर मंदाकिनी नदी के किनारे जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीम की तरफ से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मसूरी देहरादून मार्ग कोलू खेत के पास दो गाड़ियों की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें सवार 8 लोगों में से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस की ओर से घायलों को 108 एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर कोतवाली रानीपुर से है, जहां रोशनाबाद के कारागार में तैनात पुलिस कर्मियों पर युवती ने नशीले पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस कर्मी ने उसे अपने जन्मदिन के बहाने अपने कमरे पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ कोतवाली रानीपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देहरादून के नए सीएमओ मनोज उप्रेती ने सीएमओ का कार्यभार संभालते के बाद ही कहा कि बड़ा ही चुनौतीपूर्ण पद उनको मिला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना अपना रंग रूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये उनके लिए काफ़ी एक छोटी चुनौती नहीं जबकि बड़ी चुनौती है। और उत्तराखंड में देहरादून सबसे बड़ा एरिया है और सभी स्वास्थ्य सेवा को देखना और खासकर कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी पर भी विशेष ध्यान देना है। हमारे ज़िले के जो अस्पताल हैं, जो हमारी छोटे छोटे यूनिट्स PHC वगैरह भी हैं, हमारी कोशिश है कि वहाँ पर सारी दवाइयाँ, जो कि बच्चों से भी जो संबंधित दवाइयाँ हैं, वो भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन बेड्स का, जो कि हम अपने सबसे नीचे की यूनिट जो SADs हैं, PHCs हैं, वहाँ पर भी हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और कुछ जगह जो कि थोड़ा सा बड़े अस्पताल हैं दूर दराज, उन पर भी ऑक्सीजन बेड्स जो है वो तैयार की जा रही हैं। कुछ जगहों पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ संस्थाएं हैं जो कि हमारी मदद कर रही हैं। बाकी जो है प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो है हमारे यहाँ कुछ प्लांट लगे हैं अभी, जिनका कि अभी पिछले 3 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने
उद्घाटन किया है। लालकुआ तिराई पूर्वी वन विभाग के डॉली रेंज में के वन जंगल में 1,00,000 से ज्यादा पौधारोपण किया जाएगा। यहां 1,00,000 पौधे डॉली रेंज कार्यालय के पास बनी उच्च तकनीक पौधशाला में तैयार किए गए हैं। डॉली रेंज के अंतर्गत इस वर्ष प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशों पर 150 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है, जिसमें जिस पौधों में लगभग फील्ड तैयार किया जा चुका है, बीज रोपण किया जा चुका है, जिसमें जुलाई और अगस्त में इन वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इन वृक्षारोपण विविध प्रजाति की हमने इस वर्ष नर्सरी में पौधे तैयार किए, जिसमें आंवला, बहेड़ा, अमलतास, जामुन, अर्जुन इत्यादि विविध प्रजाति के पौधे। और पौधे वास्तव में उत्तराखंड में पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इस वर्ष जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ तारबाड़ की गई है, एक वाचर 24 आवर्स तैनात है जंगल में। रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में डीएम ने बयान जारी करते हुए कहा है कि घोटाले में की जा रही जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि महाकुंभ में हुए घोटाले के संबंध में जांच चल रही है, जिसमें अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। फिलहाल जांच कमेटी जांच का कार्य जो है बहुत तेजी तेजी से कर रहे हैं, मगर जो है जिस प्रकार का जो इश्यूज उसमें इन्वॉल्व है उसमें जो है जो टाइम अभी लग रहा है वो बहुत उचित कारणों से जो है लग रहा है, तो जांच सही ट्रैक में चल रहा है, बहुत जल्दी जो है इसको समापन करके जांच आख्या को जो है हम गवर्नमेंट को समर्पित करेंगे। रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में किसान फसल बीमा सप्ताह के अंदर प्रचार प्रसार के लिए चलाए जाने वाले किसान रथ को रोशनाबाद कलेक्ट्रेट से रवाना किया गया। वहीं जिलाधिकारी सी रविशंकर ने किसान रथ को जन जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ प्रचार प्रसार का जो है कार्य शुरू किया है, उसमें एक रथ जो है आज वेरियस जगह में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। इसमें जो है जितना भी जो हमारा किसान लोग हैं उनका आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य है उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये फसल बीमा, तो इसमें जो है हमें हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोगों को जो है इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, इसका दृष्टिगत जो है इस प्रकार का पहल लिया। हल्द्वानी में कोविड की दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद अब जिला विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में आ गया है। वहीं प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो अपना निर्माण नक्शा पास कराने के लिए बाद ही शुरू करें, जिससे उन्हें भविष्य में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, पिछला जो हमारा लॉकडाउन की अवधि थी उसमें हल्द्वानी प्राधिकरण क्षेत्र में काफ़ी निर्माण की शिकायत आ रही थी कि बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा है। इस क्रम में जो है लगातार हमारे वीसी साहब का, हमारे सचिव साहब का इनका निर्देश था कि इसमें कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा सारे जेई को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने एरिया में जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए निर्माण हो रहा है उसको तत्काल रोक दें, चालान की कार्रवाई करें, और वो हमारी सबसे अपील भी है कि आप लोग नक्शा पास कराएँ उसके बाद ही निर्माण कार्य करें। और इसके अतिरिक्त जो कॉमर्शियल वाले हमारे जितने भी एरिया हैं उनके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है बोर्ड का, जिसमें नक्शा संख्या और स्थान का नाम आदि अंकित रहेगा, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये नक्शा पास है अथवा नहीं पास है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राजधानी देहरादून के अलावा पौड़ी और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ में भी बारिश पड़ने की पूरी संभावना है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 1 तारीख से बात करेंगे जुलाई के, तो जो कुमाऊं क्षेत्र हमारा है तो उसमें कुछ जगहों में बारिश हल्की मध्यम मिलनी शुरू हो जाएगी, और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें भी 1 तारीख से जो है कहीं कहीं पर हल्की मध्यम तक की बारिश जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर जब 2 जुलाई की बात करेंगे, 2 जुलाई को जाएंगे तो जो बारिश है उसमें बढ़ोतरी होगी, और मैं ये कहूँगा कि अधिकांश जगहों में 2 तारीख में जुलाई में वो आपको बारिश देखने को मिलेगी हल्की से मध्यम, और साथ में जो भारी वर्षा है तो वो भी एक्का दुक्का जगहों में, जैसे कि आप ये कह सकते हैं जो कुमाऊँ रीजन के डिस्ट्रिक्स है उनमें, और फिर गढ़वाल रीजन की बात करें तो उसमें देहरादून है, टेहरी है, पौड़ी है, तो इनमें भी एक्का दुक्का जगहों में भारी बारिश 2 तारीख को देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।